दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और चुचू चाली ट्रेन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सॉन चुचू चार्ली के चंगुल में पड़ जाता है और गुल्ली बुली जंडू चाचा को बहुत मारते हैं, जिसके कारण जंडू चाचा वहाँ से चले जाते हैं और गुल्ली बुली अकेले ही सॉन को खोजने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर 2 ज़ॉम्बी सॉन को लेकर जा रहे होते हैं। गुल्ली डंडा फेंक कर वो दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज और चुचू चार्ली ट्रेन गुल्ली बुल्ली को घेर लेते हैं। और अब आगे देखिए। और इधर जंडू चाचा भी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली अब हम लोग यहाँ से भागे कैसे, हम लोग तो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और फिर वो सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी जंडू चाचा तो एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज के खोपड़ी को खोल चुके हैं। गुल्ली बोलता, वो देखो जंडू चाचा हमें बचाने के लिए आ चुके हैं, अब इन लोगों की खैर नहीं। गुल्ली चूचू चार्ली ट्रेन से बोलता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली बोलता, गुल्ली शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली, ये चूचू चार्ली हम लोगों को हल्के में ले रहा था, अब देखो जंडू चाचा इसकी क्या हल करते हैं। बुल्ली बोलता है, जंडू चाचा होंगे तब ना, उधर देखो। ओह नो, अरे ये क्या, जंडू चाचा तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। गुल्ली बोलता, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी बुल्ली का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और धीरे धीरे चूचू चार्ली भी आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी वहाँ से उठो और जल्दी वहाँ से भागो। बुल्ली बोलता, गुल्ली अब मैं उठ नहीं सकता, अब मौत लगता है कि मेरा इंतजार कर रहा है। गुल्ली बोलता, ऐसी बाकी बाकी बातें मत करो बुल्ली, जल्दी वहाँ से उठो और भागो। और फिर चूचू चार्ली आकर पीछे से बुल्ली का पैर पकड़ लेता है। गुल्ली बुल्ली का ऐसा हाल देखकर काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। गुल्ली बोलता, मैं अकेले क्या करूँ, अब मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं है, मैं बाबा को फोन लगाता हूँ, अब बाबा ही हमारी मदद करेंगे। गुल्ली बोलता, बाबा आप कहाँ पर हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए, हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में पड़ चुके हैं। बाबा बोलते हैं, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं रास्ते में ही हूँ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बाबा बोलते हैं, ये गुल्ली का फोन बंद कैसे हो गया, लगता है मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और फिर बाबा फुल स्पीड में बाइक को वहाँ से भगाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में बाबा जंडू चाचा के गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर तो कोई भी नहीं है। बाबा बोलते हैं, आखिरकार गुल्ली बुली और सोन है कहां, मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए। बाबा आगे जा ही रहे होते हैं, तभी घर के पास रखा हुआ लकड़ी का डब्बा गिर जाता है, लेकिन ये डब्बा खुद नहीं गिरा है बल्कि किसी से गलती से गिरा है। बाबा पलटकर पीछे देखते हैं और बाबा समझ जाते हैं कि घर के पीछे कोई छिपा हुआ है। बाबा बोलते हैं, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ, वरना मारते मारते हालत खराब कर देंगे। आखिरकार कौन घर के पीछे छिपा हुआ है? बाबा बोलते हैं, अगर तुम नहीं निकलोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये तो यहाँ से भाग रहा है और बाबा को ही पता चल चुका है कि ये बाबा से डर कर भाग रहा है। और फिर क्या था, बाबा उसे पागल कुत्ते की तरह खदेड़ने लगते हैं। Run. बाबा उस पर घूसों की बरसात कर देते हैं, पर ये क्या, ये तो जंडू चाचा ही है। बाबा जंडू चाचा को देखकर उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कमर तोड़ दिलस। बाबा बोलते, मुझे माफ कर दीजिएगा जंडू चाचा, मुझे लगा कि कोई मॉन्स्टर होगा जो कि मुझसे डरकर भाग रहा है, इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे हुए आपको सोट दिया। बाबा बोलते, पर ये सब छोड़ो, गुल्ली बुली और सोन की जान खतरे में है और अगर उसे जल्द ही नहीं बचाया गया तो चुचू चार्ली उसे मार डालेगा। बाबा बोलते हैं, मेरे होते हुए वो चुचू चार्ली उन लोगों को छू भी नहीं सकता, उसे शायद पता नहीं है कि वो सभी मेरे चेले हैं और मेरे चेले को मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। जंडू चाचा बोलते हैं, अपना भाषण बंद भी करोगे या फिर उसे बचाने भी चलोगे?
बाबा बोलते तो आखिरकार वो चूचू चार्ली मिलेगा कहाँ? जन्नू चाचा बोलते हैं मैंने उसके सारे आदमी को तो खत्म कर दिया है, पर वो चूचू चार्ली बहुत ही खतरनाक है और उसका सामना मैं नहीं कर सकता। बाबा बोलते हैं तुम पहले मुझे उसके पास तो लेकर चलो, उसके बाद देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। जन्नू चाचा बोलते हैं आओ मेरे पीछे, और फिर जन्नू चाचा और बाबा वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाबा बोलते हैं इस जंगल में तो कोई भी नहीं है, कहीं तुम भी चूचू चार्ली से मिले तो नहीं हो, और अगर ऐसा है तो तुम अपना हाल समझ लेना। जन्नू चाचा बोलते नहीं, इस उम्र में मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने चूचू चार्ली और गुल्ली बुली सोन को यहीं पर देखा था, पर पता नहीं ये सभी लोग कहाँ चले गए। जन्नू चाचा बोलते हैं कहीं वो चूचू चार्ली उन सभी को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। बाबा बोलते हैं तुम लोग अपना मनहूस मुंह बंद करो, मेरे होते हुए उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, हमें और आगे बढ़कर देखना चाहिए। और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जन्नू चाचा बोलते हैं तुम्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही? बाबा बोलते हैं हाँ ये तो धारदार हथियार की आवाज है और ये तो उस तरफ से आ रही है। बाबा बोलते हैं जन्नू चाचा आइए मेरे पीछे। जन्नू चाचा बोलते हैं मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और जब बाबा और जन्नू चाचा आगे बढ़कर देखते हैं तो फिर वो चूचू चार्ली अपने धारदार पंजे से उन लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर बाबा का खून खौल जाता है और उनका स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा और चूचू चार्ली को चिल्लाकर बोलते हैं जल्दी वहां से हटो। चूचू चार्ली बाबा को देखकर समझ जाता है कि ये काली जंगल के बाबा लंगोटी लाल है और इनसे पंगा लेना यानी कि मौत को दावत देना, इसीलिए चूचू चार्ली धूम दबाकर वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। लेकिन बाबा का गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक कि बाबा उसकी खटिया खड़ी नहीं करेंगे, और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह चूचू चार्ली को दौड़ाने लगते हैं। जन्नू चाचा ये सब सारा नजारा दूर से ही देख रहे होते हैं। और फिर बाबा काम खत्म कर जन्नू चाचा के पास आ जाते हैं। बाबा बोलते देखा जन्नू चाचा मैंने उसकी कैसी धुलाई की, और अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। जन्नू चाचा बोलते हैं पर गुल्ली बुली सोन तो इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा बोलते हैं उसकी चिंता मत करो तुम बस मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली बुली सोन को जिंदा कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यह है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।